चैनल, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं। तो इससे पहले जो क्लिप आप देखे हैं, तो मैं हस्बैंड को छोड़ने के लिए गई थी मोड़ तक, और हस्बैंड अच्छे ले गए दार्जिलिंग। तो हस्बैंड आए थे मेन हमें, मतलब खुशी को और मुझको लेने के लिए। बट जिस दिन से हस्बैंड आए, उस दिन से दो दिन तीन दिन लगातार वो बीमार थे, मतलब बुखार, फीवर, बुखार, सर्दी जुकाम, ये सब। तो उनको थोड़ा सा ठीक होते होते फिर खुशी को पकड़ ली। तो कल से खुशी का भी बहुत तेज़ फीवर, लूज मोशन और वॉमिटिंग दो बार हुई। तो आज हमारा जाने की बात थी दार्जिलिंग, तो खुशी के पापा डर गए क्योंकि बच्ची को लेकर उतना दूर सफ़र करना, 3 घंटा रास्ता यहाँ से सिलीगुड़ी से, तो उतना दूर सफ़र करना उसको थोड़ा डर लग गया। तो बोल रहा कि नहीं, आप कुछ दिन रह जाओ, तो कुछ दिन बाद फिर वो आएंगे, उसके बाद हम जा पाएंगे। क्योंकि खुशी को, अगर खुशी बीमार नहीं होती तो आज हम चले जाते, और ज़्यादा दिन वो रुक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजनेस, मतलब होटल छोड़ के ज़्यादा दिन यहाँ पर रहना, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है होटल पे। तो इसलिए आज हस्बैंड चले गए, तो हम जाएंगे अब शायद कुछ दिन बाद ही जाएंगे। तो हस्बैंड आएंगे गाड़ी लेके लेने के लिए। तो बहुत सारा सामान भी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 साल होने वाली है तो मायके में हूँ, तो इसीलिए तो आएंगे। तो बहुत सारा सामान, आपको पता ही, एक बच्चा होने से कितना सारा सामान होता है, ऊपर से आप कहीं पर रहो ना, तो 1-2 करते करते ना सामान बढ़ता ही है। तो ऐसे हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए हस्बैंड बोला ठीक है, आप कुछ दिन रह जाओ, मैं आप 1 हफ्ता बाद शायद वो आएंगे लेने के लिए। तो हमारा जाना फिर से कैंसिल हो गया और हस्बैंड चले गए, और अभी फिर से मेरा जो नॉर्मल सा जो रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। तो चलिए अभी से इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, और खुशी को मैं मिलाती हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी सी अभी थोड़ी बेटर है कल से, तो थोड़ी देर बाद मैं उसको मिलाती हूँ, ठीक है? चलो कॉलेज चलो, तो वेदर ना फिर से ख़राब है। माँ चलो चलो कॉलेज चलो ना, खेले ना, এখন খেলো না, বৃষ্টি আসবে, চলো কলে চলো। তো ওয়েদার ফিরসে খারাপ হয়ে গিয়ে, মতলব বারিশ, আর ইতনি নিচে সে হেলিকপ্টার যা রিয়ে না, মই দেখাতি হুঁ অবি। ও চলে গেল কোথায় রে হেলিকপ্টারটা, ও দেখি চলা গিয়া। तो कल खुशी ना पूरा बहुत वॉमिटिंग कर दी थी, उसका सारा कपड़ा मैंने आज भिगोया है धोने के लिए, और इतनी तेज़ से बारिश आ गई है, पता नहीं मैं कैसे धोऊंगी। देखिए बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, तो कपड़ा तो मैंने भिगा दिया है, अब देखते हैं कब धोती हूँ। और यहाँ पे है दूध, ग्वाला आया है अभी, तो मैं दूध लेके रखी हूँ, तो चलिए। तो फीवर के कारण ना कुछ भी खाना ही नहीं खा रही है खुशी, तो उसके लिए ना उसकी फेवरेट मैंने चाउमीन बना के दी थी, वो भी थोड़ी सी खाई है, थोड़ी सी ऐसे ढका हुआ है। तो होता ही है ना, फीवर आने से खाने का मन नहीं होता है, ऊपर से वो बच्ची है, ऐसे तो उसके खाने के नखरा। तो यहाँ पे है खुशी, देखिए। हाँ माँ ना, फिर तिलक बना। तो बच्ची है, बीमार है, फिर भी से उसका मतलब खेलने की एनर्जी इतना ज़्यादा है, बट बड़ों का ऐसा होने से ना वो बेड से उठ ही नहीं पाती है, बट खुशी जो है थोड़ी उसकी एनर्जी है, इतने बीमार में भी ना वो खेलते रहती है। और तो खुशी यहाँ पे बैठी है, तो उससे मुझे अभी थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि उसकी फीवर फिर से आने जैसी हो रही है। और यहाँ पे ना खुशी ने पानी फेंक दिया है, देखिए, तो वो ब्रेकफास्ट कर रही थी यहाँ पर बैठ के, तो पानी फेंक दी है। और बेड शीट मैं अभी तक बिछाई नहीं है, क्योंकि मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला था बेड को मिलाने के लिए। तो चलिए गाइस, यही है मेरी आज की, मतलब दिन में यही सब चलते रहेगा, काम बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और हस्बैंड रहने से ना होता ही नहीं है काम सब उतना ध्यान से करने के लिए। तो मैं कुछ दिनों से यूट्यूब में भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो चलिए अभी मैं लंच के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैं कुछ देर बाद आई हूँ, तो मेरा सब काम ख़त्म करके मैंने नहा लिया है, तो मैंने बाल को धोया नहीं है, बस ऐसे ही हमारे लिए मैं लंच में कल की फिश थी, तो फिश की एक सब्ज़ी बनाई आलू के साथ, और खुशी के लिए मैं बनाई हूँ खिचड़ी, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो कुछ खाने भी नहीं चाह रही, तो मैं सोची थोड़ी सी खिचड़ी बना के दूँ। तो ये देखिए, कुछ वेजिटेबल मिला के मैं उसके लिए खिचड़ी बना के दी हूँ, और खिचड़ी अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए, और थोड़ी सी टेस्ट उसकी अलग हो जाएगी, क्योंकि खिचड़ी बहुत दिन से नहीं खाई है। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ उसे थोड़ी सी खिलाने के लिए, और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी बहुत देर बाद मैं फिर से वापस आई हूँ, तो अभी है इवनिंग के टाइम, और खुशियाँ ऊपर में एक काकरोल देखी है। काकरोल मीन्स हिंदी में शायद चौठोल, एक
चठेल कुछ ऐसा बोलते हैं हम, काकुल बोलते हैं। तो क्या प्यारा का जो गाछ होता है ना, मतलब अमरूद का पेड़ पे काकरोल हुआ है। तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ बट मुझे लगता है शायद नहीं दिखेगी क्योंकि अंधेरा होने वाली है, इसीलिए। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ पर मुझे लगता है कि शायद नहीं दिखेगी क्योंकि मैं कैमरा से ढूंढूँ तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ हाँ दिखाई दिया, आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे पता है। मैं लाठी इससे दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है बहुत बड़ा सा काकरोल, काकरोल उड़ रहा झूल रहा। देखिए देखिए दिखाई दे रहा है ना, वो देखिए पार्सी दा। मैं इसे तोड़ती हूँ, ठीक है इसको मैं तोड़ती हूँ। और देखिए सुपारी उधर, तो मैंने तोड़ लिया है। तो मैं तो एक ही देखी, मुझे एक ही नज़र में आया, तो बहुत मच्छर है यहाँ पे और शायद है ऊपर में बट दिखाई नहीं दे रही है अभी। तो एक ही तोड़ी हूँ ये देखिए। तो इसकी भाजी खाने में अच्छा लगता है, मुझे इसकी भाजी अच्छा लगता है और कुछ मुझे उतना पसंद नहीं है। इसकी एक पूड होती है वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो चले एक भाजी बन जाएगी, एक से काफ़ी बहुत सारा बन जाएगा। तो चलिए अभी थोड़े बहुत झाड़ू वगैरह करना है, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो दोपहर में जो आप देखे थे मैं खुशी के लिए खिचड़ी ली थी ना, तो वो मतलब एक मुट्ठी भी खिचड़ी वो नहीं खाई थी। और उससे ना सिर्फ चाय पीना है, सिर्फ चाय चाहिए। तो माँ को उस टाइम भी बोली थी दीदुन मुझे चाय बना के दो, अभी भी बोल रही है दीदुन मुझे चाय बना के दो। तो मैं माँ को बोलती दे दो बना के, शायद उसको चाय पी के उसका मुख में अच्छा लग रहा हो। तो माँ अभी चाय बना के दे रही है। मैं बोली साथ में दो बिस्किट भी दे देना, अगर शायद बिस्किट भी खाए तो कुछ तो रहेगा ना पेट में। हाँ माँ ठीक है खाओ। तो वहाँ पर बैठ के खुशी को माँ मतलब खिला रही है, तो खुशी खुद ही खाना चाहती है। तो मैं सामने नहीं जा रही हूँ क्योंकि अगर वो मोबाइल देखेगी ना तो वो भी नहीं खाएगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप सबको। तो उसको चाय या बिस्किट खानी है, तो फिर देख लिया मुझे। तो मैं अभी ऑफ करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और कल रात को मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई थी और कुछ दिखा भी नहीं पाई थी। तो कल रात से ना मुझे भी फिर वही प्रॉब्लम, मतलब वही सिम्टम दिखाई दे रही है, मतलब फीवर, पूरा बॉडी में पेन, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, ये सब मुझे भी पकड़ लिया कल रात से ही। तो ऊपर वाला की कृपा से खुशी को आज सुबह से उसकी फीवर नहीं है बट मेरी माँ और मुझे बहुत तेज़ से फीवर आई है। तो मैं अभी तक मुझे उतना तेज़ फीवर तो नहीं है बट सिर दर्द, बॉडी में पेन, सर्दी जुकाम, ये सब बहुत है। तो मन नहीं कर रहा कि मैं मोबाइल देखूँ, मोबाइल लेके कुछ करूँ। तो जैसे तैसे माँ तो कुछ भी नहीं कर पा रही, जैसे तैसे मैंने खाना बनाया क्योंकि बाबा भी आज घर में है और खुशी भी कुछ खा ही नहीं रही है। तो माँ भी कुछ नहीं खाई है, तो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर पे, ये क्या हो रहा है नहीं पता। सब एक एक करके बीमार पड़ रहे हैं। खुशी के पापा तो बीमार ही लेके ही वो चले गए दार्जिलिंग क्योंकि बिजनेस भी देखना है, यहाँ पे बैठने से भी नहीं होता है। और बाबा को अभी भेजी हूँ मेडिसिन लाने के लिए क्योंकि माँ की बुखार जो है उतर ही नहीं रही है, बहुत तेज़ है। तो आप पीछे देख सकते हो वो वाला बेड में माँ और खुशी वहाँ पे सोई है और मैं भी यहाँ पे लेटी थी। फिर मुझे याद आया, मतलब एडिट कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं वीडियो को एंड ही नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए गाइस मैं कुछ दिखा नहीं पाई इस वीडियो में, पता नहीं मैं क्या दिखाई, आप लोग को कैसा लग रहा है पता नहीं। इस तरह से आप लोग के सामने आना भी मन नहीं कर रहा था। तो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर पे, ये बीमारी एक से एक छुट रहा है तो और एक को पकड़ ले रहा है। और फीवर ना होता ही एक फ्लू टाइप का होता ही है, किसी एक को होने से फिर नेक्स्ट वाले फैमिली मेम्बर्स को भी हो ही जाती है। तो बस आप लोग प्रे करो कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग ला पाऊँ आप लोग के लिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। बस आप लोग का प्यार, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। सो बाय बाय।